पर आपको असाध्य रोग है, आप परेशान हो चुके हो, मतलब आपने ये महसूस कर दिया कि आप ठीक नहीं हो सकते, तो हमारे पास आओ। ब्लॉकेज थी उनके पिताजी को, ब्लॉकेज थी, 20-25 दिन दवाई दी थी, वो ठीक हो गए, तो भरोसा बढ़ गया। खूब आते हैं, दूर दूर से आते हैं। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से आयुर्वेद और एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच और वैद्यों के बीच कोई बहुत बड़ी बात चल रही थी कोरोना टाइम के अंदर। वो कह रहे थे एलोपैथ यानी कि अंग्रेजी दवाइयां सर्वश्रेष्ठ हैं, आयुर्वेद कह रहे थे, आयुर्वेद वाले कह रहे थे कि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है, और ये है भी क्योंकि ये ऋषि मुनियों की देन है, और किसी एक आदमी के चक्कर में हम पूरे हमारी जो सनातन संस्कृति है, आयुर्वेद है, जो जीवन जीने की एक पद्धति है, उसके ऊपर जो आघात है वो, उस आघात को हम होने नहीं देंगे। इसी कड़ी में हम जो भारत के प्रसिद्ध वैद्य हैं उनसे आपको रूबरू करवाएंगे कि जो जितना बड़ा वैद्य है, जिन्होंने बड़े से बड़े, जो डॉक्टरों ने बड़े से बड़े ऑपरेशन बोल दिए थे, बड़ी सी बड़ी जो बीमारियां थी, जो एलोपैथी वाले डॉक्टरों से ठीक नहीं हुई, वो भारत के प्रसिद्ध वैद्यों ने ठीक की हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गांव भोंगरा के अंदर, यहाँ हैं वैद्य सुनील जी हैं, जो लगभग 6-7 साल से यहाँ दवाई देते हैं, तो जिन्होंने बड़े से बड़ी बीमारियों को यहाँ ठीक किया है। तो सुनील जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका भारत के प्रसिद्ध। धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की। सुनील जी, छोटी सी उम्र में आयुर्वेद का ज्ञान, तो कहाँ से रुचि लगी आपको ये? देखो, रुचि काफ़ी पुराने समय से है, और कुछ परिस्थितियाँ थी जब एलोपैथी से मतलब ना हो गई थी, कुछ घरेलू परिस्थितियाँ थी, आयुर्वेद का जो साथ लिया तो हमें बहुत अच्छा लाभ हुआ, और आश्चर्यचकित कर देने वाला लाभ हुआ। तो उसका जो कारण है, उसी के कारण से हम आज आयुर्वेद में जुड़े हुए हैं। जैसे लगभग 13-14 की बात है, मेरे पिताजी को डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गई, और शुगर भी इतनी हो गई कि एक उंगली अपने आप गिर गई थी। रात को सोए हुए थे तो अपने आप उंगली गिर गई, तो हम गए डॉक्टर। शुगर लेवल कितना होगा उस टाइम? शुगर लेवल लगभग 600। हाँ, और डॉक्टर के शुरू में तो उचाना गए, उचाना ट्रीटमेंट करवाया, नी काबू में आई, फिर अग्रोहा गए, और चलने फिरने की वजह से तो जो है पाँव में छाले हो गए उनके, तो वो छालों का ऑपरेशन कर दिया, जख्म हो गया, और शुगर में जख्म बहुत बड़ी समस्या होती है, तो फिर शुगर लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो ज़्यादा बढ़ते बढ़ते ऐसा समय आ गया एक महीने के अंदर कि वो इंसुलिन भी दे लिया और भी खूब ग्लूकोज बोतलें भी चढ़ा ली, तो मतलब वो कम नहीं हुआ। लगभग 1-1.5 महीना हम रुके थे वहाँ पे। तो फिर उन डॉक्टरों ने कहा ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है, ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर जो है कोई महात्मा जी थे, उनसे संपर्क किया, तो रुचि थी मेरी, आस्था का से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ मैं, हर चीज़ में आस्था रखता हूँ। तो फिर उन्होंने बताया, एक दवाई बताई, नॉर्मल सी दवाई, कुटकी और बादाम और चने, ये पीस के देने थे, और उन्होंने कहा 3 दिन से ज़्यादा मत देना, ये आँखों पे असर डाल देगी। तो फिर वो दी, पहले दिन दी तो 1-1.5 घंटे बाद जो है डायबिटीज़ लगभग 63 के आसपास आ गई। मतलब आयुर्वेद का चमत्कार देखिए, 600 से जिसकी उंगली भी नीचे गिर चुकी हो डायबिटीज़ के कारण, और वो एक दिन में ही आयुर्वेद के एक छोटे से नुस्खे से एक दिन में ही 63 पे आ जाना, बहुत बड़ा चमत्कार है। एक दिन में नहीं, 1-1.5 घंटे के अंदर। तो फिर वो 63 पे आ गई, तो नींद ज़्यादा आने लगी, तो डॉक्टर से संपर्क किया कि ऐसे ऐसी समस्या होगी, तो डॉक्टर ने कहा ऐसा क्या दिया भाई, कारण बताओ, ये ऐसे नहीं हो सकती, इतनी डाउन नहीं जा सकती। तो फिर बताया ऐसे ऐसे ये दिया था, तो मतलब बहुत गंदा फील किया डॉक्टरों ने, ये क्यों दिया, ये नहीं देना चाहिए, ये मर सकते हैं, ये हो सकता है, तो मतलब दूसरी पद्धति को नीचा दिखाने की। हाँ, दूसरी मतलब ये तो बाद में समझ में आई ना हमारे, हमने तो ये था कि हाँ कहीं ना कहीं ये ठीक कह रहे हैं हमारे हिसाब से। तो फिर क्या हुआ, फिर वहाँ रुके, वो डायबिटीज़ उनकी नॉर्मल आ गई, तो जख्म था, तो जख्म के ऊपर वो हर रोज़ वो करते थे पट्टी, तो वो थोड़ा सा हिस्सा काला होता है, उसको काट देते थे जैसे,
तो एक दिन समस्या ये आ गई, जैसे पाँव के नीचे मान लो ये पंजा है, यहाँ पर जो हड्डी होती है ना, ये बदनहरी बोलते हैं, वो काटने लग गए डॉक्टर। मेरे सामने की बात ही, तो मैंने हाथ पकड़ लिया कि मैं डॉक्टर साहब ये काट दोगे तो चलेंगे कैसे। दो होती हैं एक दूसरे की सहायक, एक तो वो पहले काट दी थी जिसका नुकसान आज भी है, वो चल नहीं सकते, फिलहाल भी चल नहीं सकते वो, तो दूसरी भी काट रहे थे वो, तो मैंने रोक दिया। तो वो बोले अगर ऐसे रोकोगे तो आप कहीं और करवा लो ट्रीटमेंट। तो हम आ गए वहाँ से, तो यहाँ आके लगभग एक साल तक बीटाडीन, सुमैक और भी जो जो मतलब जिसने जो बताई वो सारी पट्टियाँ करी, एक नहीं एक डेढ़ साल, शायद तीन दो साल भी करी हो, फिर नहीं हुई उनसे बात, बात नहीं बनी मतलब वो, तो पूरा एलोपैथी के हिसाब से ही जो है पट्टियाँ होती थी वो। फिर हमने शहद की पट्टी शुरू कर दी, शुरू में उससे पहले हमने पट्टी बताई ऐसे ही, क्या नाम है, एक महात्मा जी जिन्होंने शुरू में बताई थी, उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा शहद की पट्टी करो, तो शहद की पट्टी करी। तो तीसरे दिन जैसे आज करी कल, वैसे तो हम हर रोज़ करते थे एक दिन छोड़, मतलब हर रोज़ ऐसे आज करिए तो कल भी करेंगे, लेकिन फिर हमने शहद की करी। तो अब तक हम डॉक्टर के अनुसार चल रहे थे, तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसा करो एक दिन छोड़ के एक दिन करनी और शहद की करनी है, फिर आप आयुर्वेद के अनुसार। हाँ, तो मेरे मन में शुरू में तो यार मीठा तो खाना ही नहीं है और ये मीठे की पट्टी करवा रहे हैं, तो फिर कर दी, विश्वास था, करी तो ज़बरदस्त हमें जो है रिजल्ट, कुछ भी हिस्सा काला नहीं हुआ, कुछ काटना नहीं पड़ा और फिर काला नहीं हुआ, और जो जख्म है मान लो यहाँ जख्म ये थोड़ा थोड़ा ऐसे भरता हुआ दिखा, तो फिर मतलब मन में ऐसी हुई कि हाँ आयुर्वेद है। अच्छा, उसके बाद आपने आयुर्वेद की तरफ ध्यान, उसके बाद और भी ज़्यादा रुचि होगी, और रुचि होते होते आज ये पोजीशन है, डायलिसिस 100%, अगर कोई बोले लिख के दे तो लिख के दे सकते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है ये एलोपैथ के लिए, आयुर्वेद का एक वैद्य कह रहा है कि डायलिसिस के लिए चैलेंज है, डायलिसिस नहीं होने देंगे। हाँ, और एक बात, एलोपैथी से परहेज नहीं है, एमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि एलोपैथी जो है हमारा ही तो हिस्सा है, क्योंकि एलोपैथी जो है शल्य चिकित्सा है, ये आयुर्वेद का ही तो अंग है, और एलोपैथी जो है जो हमारे रसायन सिद्धांत थे, जैसे दो चिकित्सा पद्धति होती हैं, एक तो शोधन का कार्य करती है, एक समन का कार्य करती है, आयुर्वेद शोधन का कार्य करता है और एलोपैथी समन का कार्य करता है, यानी रोग को दबाने का कार्य करता है, दोनों की अपने अपने जगह पर उपलब्धता है, मान्यता है। मतलब अगर आज इमरजेंसी अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसमें आयुर्वेद क्या करेगा? इमरजेंसी है तो एलोपैथी का सहारा लो, अगर आप बहुत दूर हो तो अमृत धारा हमेशा अपने साथ रखो, चार पांच बूंद पानी में डाल के ले लो, थोड़ी सी छाती के ऊपर मसल लो, यदि किसी को हार्ट अटैक आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड में उसकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो? एक्सीडेंट है तो अगर आपको नॉर्मल चोट लगी है, सबसे पहले तो उसके ऊपर पहले कसी लग जाती थी, उंगलियाँ कट जाती थी, क्या करते थे, पेशाब करते थे, सबसे पहले तो आप अगर कर सकते हो तो मिट्टी लगाओ पेशाब करके, क्योंकि परमात्मा की भी कुछ ऐसी देन है, इसके अंदर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो रोग मतलब जख्म को ठीक करते हैं, और ख़ास बात ये चोट लगते ही पेशाब अपने आप उतर जाता है, अपने आप उतर जाता है, आप उसको डर में कहो या परमात्मा की सेटिंग कहो, वो करो। और अगर कोई आपके ऐसा जख्म है बेसिक डायबिटीज़ का हो, आप परेशान हो गए, वो ठीक ही नहीं होता, एलोपैथी भी यूज़ कर लिया, आयुर्वेद भी ठीक कर यूज़ कर लिया, सब कर लिया, तो वहाँ पर शहद की पट्टी करो, गेंदे के फूल की पट्टी करो, सोरायसिस के लिए ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, तेजाब के लिए ज़बरदस्त, मान लो किसी को तेजाब बन गई, आपकी रसोई में धनिया है, धनिया पीस के ले लो, और जीरा है, जीरा भी ले सकते हो। आमतौर पर लोगों का कहना है कि आयुर्वेदिक बड़े लंबे तक आराम करता है, और करता भी है या नहीं करता है, ऐसी ये भावना बनाई गई है, देखो इसको बारे में क्या? लोगों की भावना है कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करेगा, सबसे पहले तो व्यक्ति आयुर्वेद के पास जाता तब है, तब हर जगह से मनाही हो ले। अब आपको प्यास लगी है, अगर आपको प्यास लगते ही पानी मिल गया तो आप आधे गिलास पानी में छींक लोगे, और आप एक डेढ़ घंटा हो गया आपको प्यास लगे हुए तो आप दो ढाई गिलास पानी पियोगे, अगर आप पानी पियो लेट गए तो ज़्यादा पीना पड़ेगा आपको। मतलब कितने आदमियों की ज़िंदगी बचा चुके हो आप अभी तक? देखो, बचाने वाला तो परमात्मा है,
बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जो लोग ये बोलते हैं कि आयुर्वेद का रिजल्ट देरी से है, सबसे पहले उनसे कहूँगा आप आओ और एलोपैथी से जल्दी रिजल्ट लो और वो आओ और बिना कोई नुकसान। हाँ, बिना कोई नुकसान। और हमारे देखो, मैं ये कहूँगा अगर आपको सामान्य सा कोई रोग है तो आपके आसपास किसी मेडिकल स्टोर से या किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको असाध्य रोग है, आप परेशान हो चुके हो, मतलब आपने ये महसूस कर लिया कि आप ठीक नहीं हो सकते, तो हमारे पास आओ और उसका रिजल्ट देखो। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा मरीज जो आपने अपनी ज़िंदगी में ठीक किया हो, जो एलोपैथिक डॉक्टरों ने जिसको मना कर दिया था, कोई एक? हाँ, एक नहीं, अनेक। किसी एक का नाम बताइए। एक का नाम मैं बताता हूँ आपको। एक का क्यों, आप गांव बताओ, मैं नाम बताऊँगा। आप हमारे आसपास के गांव बताओ, मैं उस गांव में बताऊँ, मैं उसी गांव में बता दूंगा। आप क्यों गाँव में? तो जैसे उचाना है, आप उचाना से हो, उचाना में अमित है, कोड़ा वाले पहले कपड़े की दुकान होती थी उनकी, अमित भरोसा, शायद आप जानते भी हो, भरोसा नाम से काफ़ी फेमस है वो गवाह है अपना। अच्छा, क्या दिक्कत है उनको? वो उनका पूरा परिवार दवाई हमसे लेता है, कुछ भी हो, उनको बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, नज़ला, कुछ भी दिक्कत हो, वो दवाई यहीं से लेते हैं बस। अब आप देख लो, उचाना शहर से गांव में आते हैं वो दवाई लेने। अच्छा, कोई भी दिक्कत तो ये आयुर्वेद का मतलब एक भरोसा कह लीजिए, आयुर्वेद के ऊपर एक भरोसा उन लोगों को। हाँ, जब उनका कुछ ठीक हुआ है तभी आते हैं ना। हाँ, जैसे ब्लॉकेज थी, उनके पिताजी को ब्लॉकेज थी, 20-25 दिन दवाई दी थी, वो ठीक हो गए, तो भरोसा बढ़ गया उनका। अच्छा, उसके अलावा कोई हर जगह से थका हारा आपके पास आया हो? खूब आते हैं, दूर दूर से आते हैं, अपने पास तो पैड पड़ी है, बहुत सारे नाम, हजारों नाम है। अब आप तो सबको जानते नहीं, आपके सामने कोई भी नाम ले दूं, इसलिए मैं कह रहा था आप गांव बताओ, मैं वहाँ नाम बता दूंगा आपको। तो मतलब कहने का मतलब ये कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ सस्ती हैं या एलोपैथिक? आयुर्वेदिक दवाई सस्ती हैं, जड़ी बूटियाँ तो बहुत सस्ती हैं, रस रसायन थोड़े महंगे हैं, तो लेकिन वो महंगे होते हुए भी एलोपैथी से सस्ते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर होते हैं ना, जो वैद्य हैं, वो आत्मा से जुड़े होते हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर अब मेरे सामने कोई पेशेंट आ गया और उसको रस देना पड़ गया, तो रस की वजह से उसकी दवाई 2500-2600 रुपए की हो जाएगी, तो आप विश्वास नहीं करोगे, इतना पैसा मांगते हुए हमें खुद को शर्म आती है। ठीक बात। अगर 1500 रुपए से ज़्यादा किसी का बजट बनता है ना, तो आयुर्वेद के डॉक्टर खुद शर्माने लगते हैं कि मतलब वो ऐसा, जबकि एलोपैथ में ऐसा नहीं, वहाँ शर्म नाम की कोई, वहाँ शर्म नहीं है। तो मतलब महंगा ट्रीटमेंट आयुर्वेद वाले खुद, जैसे मैं हूँ, किसी को लकवा है, अदरंग है, उनको सामान लिख के देता हूँ, भाई ये सामान ले आओ, सामने बैठो, अपने पास से और मिक्स कर दिया, एक डब्बी भी दे दी अपनी, और कोई पैसा नहीं, फ्री में अपने पास से भी 10-20-30-50 रुपए का सामान लगा, ज़्यादा तो नहीं लगा, और एक 7-8 रुपए की डब्बी भी दी है। मतलब एक समाज सेवा भी साथ में, समाज सेवा मतलब हम है ना, ये सोचते हैं कि ये 4-5 हज़ार रुपए के तो रस रसायन ले आया बेचारा। इतना कुछ होने के बावजूद भी आयुर्वेद के पिछड़ने का क्या कारण है? आयुर्वेद देखो, मैं तो अपने तक बताऊंगा, मेरे हिसाब से तो पिछड़ा हुआ है नहीं, हर रोज़, क्योंकि लोग इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर क्यों जाते हैं आयुर्वेद औषधालयों में या वैद्यों के पास, मतलब हाँ। सरलता है ना, एलोपैथी में सरलता है, गया आपका पेट में दर्द हो गया, अब आप आयुर्वेद के पास जाओगे तो हम दे देंगे आपको फक्की लेनी है, फक्की मारो ऊपर से, पहले फक्की लो, गर्म पानी करो, गर्म पानी के साथ ये फक्की लेनी है, थोड़ा मुंह का स्वाद भी बिगड़ेगा, परहेज तो वो भी देंगे, हमसे ज़्यादा देंगे परहेज, तो मुंह का थोड़ा स्वाद बिगड़ेगा, ये हो गया। और आयल पेट में दर्द हो गया, आप किसी भी दुकान से जाके लोगे, लाल पत्ते वाली गोली दे दे, गोली दी, ऊपर से सादा पानी पी लिया, समस्या खत्म। मतलब लोग आलसी हैं, आलसी हैं। हाँ, एक बात और बता दूँगा, अंत में आयुर्वेद के पास ही आएंगे वो, ठीक तो होगी नहीं, पर तब आएंगे तब वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, फिर आएंगे और फिर तो समय लगेगा उसमें। तो ये थे गांव भोंगरा से हमारे साथ युवा वैद्य सुनील, जिन्होंने बड़े बड़े डिफ़िकल्ट केसों को अपने यहाँ सॉल्व किया है, बड़ी बड़ी बीमारियों को जो हर जगह से धक्के खाकर इनके एक चैलेंज बताता हूँ मैं आपको। क्या हुआ, अपने गौशाला में बड़ौदा प्रोग्राम था, ये स्टेज शो था, तो वहाँ पर क्या हुआ, जो स्टेज शो वाले थे उनमें से एक सदस्य का बीपी लो हो गया। अब बीपी लो में तो नाचना कूदना था बहुत मुश्किल काम है, तो समस्या होगी। तो उस समय मैं था वहाँ पे, तो उस समय मैं मतलब चमत्कार बताता हूँ आपको, उसको दवाई दे दी और 5 मिनट में वो
नाचने कूदने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, तो वो मतलब बीपी नॉर्मल हो गया। बीपी नॉर्मल हो गया और उन्होंने स्पेशल बोला कि ऐसे ऐसे आपके पास मतलब इतने अच्छे वैद्य हैं, हमें पता नहीं था। तो आयुर्वेद हर अवसर पर खरा उतरता है और ज़बरदस्त रिजल्ट है, एलोपैथी से तेज़ रिजल्ट है। और एलोपैथी को नकारना भी मूर्खता है किसी भी पद्धति को, क्योंकि रोगी को पद्धति से मतलब नहीं होता, स्वास्थ्य से मतलब होता है। बस फर्क इतना है, आयुर्वेद जो है वो विश्वास करता है औषधि एक काम अनेक। मतलब अगर आप सिर के दर्द की औषधि लोगे तो उससे आपका पैर भी ठीक हो, आपके पेट भी ठीक हो, आपका गुर्दा भी ठीक रहे, आपका हार्ट भी ठीक रहे, और ठीक ना हो तो कम से कम इससे नुकसान ना हो। लेकिन अगर आप एलोपैथी के स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, आप हार्ट के वाले के पास गए, आपने हार्ट की दवाई ले ली, और अगर आपकी किडनी फेल होती है तो उसके पास कुछ नहीं है, तो आपको किडनी वाले के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद के पास ये है, जैसे पुनर्नवा है, पुनर्नवा किडनी में भी काम करता है, पुनर्नवा मूत्राशय में भी काम करता है, पुनर्नवा नपुंसकता में भी काम करता है, पुनर्नवा टाइफाइड में भी काम करता है। यानी कि एक ही वैद्य सारे शरीर का ट्रीटमेंट कर सकता है, एक ही वैद्य। तो आयुर्वेद के पास आपको ये बेनिफिट है कि आप दवाई एक लोगे, आपके रोग वो भी दूर होंगे जिनका आपको पता भी ना हो। तो आयुर्वेद एक जीवन का सार, आयुर्वेद एक जीवन की पद्धति, आयुर्वेद एक निरोग होने की एक जो पद्धति है, हमारी सनातन पद्धति है। तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने उंगली उठाई थी, तो ये सोचकर हमने हमारी संस्कृति के ऊपर आँच नहीं आने देनी है, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे बड़ी है, इसमें कोई दोराय नहीं है। एलोपैथी का जन्म कुछ दिन पहले हुआ है, आयुर्वेद तो सनातन से है। तो किसी एक आदमी के चक्कर में पूरा आयुर्वेद को हम आघात नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही जैसे हमने सुनील कुमार से मिलवाया, ऐसे ही हम पूरे भारत के अंदर जो प्रसिद्ध विद्वान वैद्य हैं उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। एक बात और मैं बताता हूँ आपको, आपकी वीडियो के माध्यम से मेरा सिर देख लो भाई, ध्यान से देख लो। और लगभग 2012 से मैं इस प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ कि बाल कैसे उगाए जाए, और अब मुझे सफलता मिलती नज़र आ रही है। तो मैं आपसे कहूँगा एक दिन और आप आना, एक वीडियो और बनाना, उस दिन इनको बाल दिखाएंगे, क्योंकि अब बाल जो हैं मैं सफल हो गया हूँ, बाल उगने शुरू हो गए हैं। आज आप सिर देख लो कैसे बाल उड़े हुए हैं, और एक दिन वीडियो बनाएंगे, आप इन बालों को उगे हुए देखना। मतलब युवाओं की जो पहली पसंद होती है, और युवाओं को जो सबसे बड़ी जो समस्या होती है बालों का झड़ना होता है, उनको भी वैद्य सुनील कुमार ने चैलेंज में लिया है कि नेक्स्ट में जब हम इनसे मिलेंगे तो ये हमको बताएंगे कि दिखाएंगे कि बाल हम भी है आयुर्वेदा के अंदर ऐसा है कुछ है जो बालों को भी उगा सकता है। तो दुनिया भर के प्रसिद्ध वैद्यों से मिलिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में हम वैद्य सुनील कुमार का नंबर आपको देंगे, आप इनसे राय ले सकते हैं। इसी तरह पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने वैद्य हैं उनसे हम रूबरू करवाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो व सब्सक्राइबर ज़रूर करें। जय हिंद।